देवेंद्रनगर प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ सैकड़ों छात्रों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। जांच टीम के सामने छात्रों ने रखा प्रभारी प्राचार्य अमिताभ पांडेय को हटाने की मांग। मौके पर पहुंची भाजपा नेत्री अमिता बागरी। देवेंद्रनगर स्थित शासकीय महाविद्यालय के कैंपस के बाहर कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य अमिताभ पांडेय के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि देवेंद्रनगर महाविद्यालय में प्रभारी पद पर काम कर रहे प्रोफेसर अमिताभ पांडेय पर पूर्व में कई संगीन आरोप है, जिस पर विभागीय जाँच चल रही है। वही बीते दिनों कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रभारी के खिलाफ अभद्रता और अमर्यादित व्यवहार को लेकर स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत भेजी थी, जिसको लेकर बौखलाए प्रभारी प्राचार्य ने शिकायतकर्ता छात्रों एवं उनका साथ देने वाले प्रोफेसर को नोटिस देकर धमकाने का प्रयास किया गया। वही छात्रों की बात को खबरों में प्रसारित करने वाले मीडिया कर्मियों के खिलाफ नोटिस भेजकर उनकी आवाज को दबाने की भी नाकाम कोशिश की गई। कल छात्रों द्वारा की गई शिकायतों को संज्ञान में लेकर सहायक संचालक सागर द्वारा एक जांच दल गठित कर जांच हेतु देवेंद्रनगर कॉलेज भेजा गया, जिसमें मुख्य जांच अधिकारी छतरपुर कॉलेज के प्राचार्य डीपी शुक्ला थे, जिसकी जानकारी लगते ही छात्रों का जमावड़ा कॉलेज कैंपस के बाहर लग गया और वह जांच अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने के लिए कैंपस के बाहर ही जमीन पर बैठ गए। जब जांच अधिकारी जांच पूरी करके कॉलेज कैंपस के बाहर आए तो उनके द्वारा प्रभारी प्राचार्य ऑफिसर अमिताभ पांडे की कार्यशैली और धमकी को लेकर शिकायती पत्र दिया गया, जिसे जांचकर्ता अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने की बात कहते हुए ले लिया। मामले ने नाटकीय मोड़ तब ले लिया जब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने के लिए जुटे छात्रों की आवाज दबाने के लिए प्रोफेसर अमिताभ द्वारा पुलिस स्टाफ को बुला लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के लिए निर्देशित किया। वहीं मौके पर पहुंची भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने बताया कि पहले भी प्रोफेसर अमिताभ के खिलाफ शिकायत उन तक पहुंच चुकी है। निश्चित तौर पर वह छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए प्रभारी प्रचार पर कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों के बात की जाएगी। ये बताइए, बच्चे अगर अपनी बात कर मास में बच्चे अपनी बात करते हैं मैडम, कॉलेज प्रिंसिपल सर कर रहे हैं और आवाज उठा, पुलिस अनावश्यक दबाव बना रही है, पुलिस दबाव बना रही, बच्चे अपनी बात ना कहें, एक भी पुलिस वाले मास्क नहीं पहने हैं मैडम। जी सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि सबको जोड़ा गया है, ये व्यक्ति जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए उनका स्वतंत्र अधिकार है जोड़ना। इसके पहले भी काफी शिकायतें आ चुकी हैं। मुझे फोन किया कि यहाँ पे हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ के जो अमिताभ पांडे जी सर हैं उन्होंने पुलिस को सूचित किया कि यहाँ पे बच्चों को आके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसके लिए प्रशासन आया, प्रशासन ने भी समन्वय बनाने की कोशिश की है, बच्चों से बात की है और किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को ना प्रशासन हाथ लगाएगा ना वो सर किसी भी तरीके की क्षति पहुंचा सकते हैं। हाँ, सर की लगातार कई टाइम से शिकायतें आ रही हैं, मेरे पास भी कई बार आई हैं शिकायतें कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, छात्रों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए उनके ऊपर जाँच चल रही, कार्रवाई चल रही है। बच्चे अगर अपनी शांतिपूर्वक बात रख रहे थे तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास मदद मांगने के लिए अगर उन्होंने मुझे फोन कराया तो यहाँ हम उपस्थित हुए हैं और इसके बाद भी अगर जो भी बच्चे मेरे से मदद मांगेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी वो सर के ऊपर भी कराई जाएगी, बच्चों के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगी, बच्चों का कहीं नहीं निकाला जाएगा। और पुलिस प्रशासन अगर इधर खड़ी है, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रही है, तो मुझे भरोसा है प्रशासन पे कि उचित कार्रवाई करेंगे, गलत कोई भी निर्णय नहीं करेंगे। और अगर गलत निर्णय पुलिस के द्वारा भी होता है तो उचित अधिकारी से बात की जाएगी। किस उद्देश्य हुआ बच्चों का इतना बलवा हो रहा है, पुलिस आप लोगों ने बुला ली है, छात्र अपनी बात रख रहे हैं, तो आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, बच्चों के हित को दबाना चाह रहे हैं या आप आए किस उद्देश्य से, ये जरूर बता दें। अतिरिक्त संचालक के द्वारा जी, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा मेरे को एक शिकायती पत्र दिया गया, उस शिकायती पत्र में तथ्य दिए गए, उन्हीं तथ्यों के बारे में दोनों पक्षों से मिलने के लिए कहा गया, जिन तथ्यों के बारे में था उन दोनों पक्षों से हमने उनके स्टेटमेंट ले लिए हैं, उसकी रिपोर्ट बना के मैं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक। क्या उन तथ्यों के बारे में हम जान सकते हैं सर? अब उन तथ्यों को तो नहीं, गोपनीय रखा जाएगा शिकायत। अभी जो बच्चों ने आपके सामने शिकायत की है, नारेबाजी की है, बच्चों की शिकायत लेने का एक्चुअल में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, मेरे आपने अभी कहा कि प्रिंसिपल साहब पांडे जी आपके छोटे भाई हैं, तो क्या आप छोटे भाई का रिश्ता निभाने आए या जांच करने आए? भाई से मतलब नहीं, नहीं भाई का नाता नहीं मैं निभाने आया हूँ। जी जी जी, मैं तो आया जांच ही करने की, जांच का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको,
कि मुझको जो जांच पत्र दिया गया है उसी को हम देखने के लिए आए हैं, जांच पत्र जांच करने के। यहाँ तो हम तो जानते भी नहीं, हम तो उनसे पहली बार मिले हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी, मैं आपको भी मनाऊंगा, प्रशासनिक अधिकारी हैं सर, आप मुझे बताएं अगर शिकायत होती है तो शिकायत की बात लिखना कहना गलत है क्या? नहीं बिल्कुल गलत। उसके लिए पुलिस बुलाना कहाँ तक जायज है आप मुझे बताइए। कॉलेज के अंदर कॉलेज के बच्चे अपनी बात आपसे रखने के लिए अगर खड़े हैं तो उसके लिए पुलिस बुलाना मतलब लोकतंत्र की आवाज दबाना है या नहीं? लोकतंत्र में आवाज दबाने का कहीं कोई अध्याय है ही नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का अधिकार है, अपनी बात को आप कहेंगे, आपका आपकी बात भी शासन के पास पहुंचेगी और ये खुद ये लोग खुद कहेंगे तो इनकी बात भी शासन के पास पहुंचेगी। अभी तक आप क्या रिजल्ट लेकर के वापस जा रहे हैं? हम तो कुछ नहीं, अभी तो हमने अपना लिया है, इनके स्टेटमेंट लिए हैं तो हम अपनी रिपोर्ट बना के वहाँ भेज देंगे, निर्णय हमें। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? डीपी शुक्ला, मैं महाराजा कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ।